हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल मेक ड्रीम कम ट्रू में। मैं हूं मंजीत। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 हिंदी एनसीईआरटी कृति का। पाठ का नाम है माता का आंचल, लेखक है शिव पूजन सहाय। आज हम इस पाठ के सार को पढ़ेंगे क्योंकि हम इस पाठ को पहले पढ़ चुके हैं। तो चलिए पाठ के सार को पढ़ना शुरू करते हैं। माता का आंचल नामक पाठ में लेखक माता पिता के स्नेह और शरारतों से भरे अपने बचपन को याद करता है। उसका नाम तारकेश्वर था। पिता अपने साथ ही उसे सुलाते, सुबह उठाते और नहलाते थे। वे पूजा के समय उसे अपने पास बिठाकर शंकर जी जैसा तिलक लगाते और खुश कर देते थे। लेखक आईने में बड़े बड़े बालों के साथ अपना तिलक लगा चेहरा देखता तो पिता मुस्कुराने लगते और वह शर्मा जाता था। पूजा के बाद पिताजी उसे कंधे पर बिठाकर गंगा में मछलियों को दाना खिलाने के लिए ले जाते थे और राम नाम लिखी पर्चियों में लिपटी आटे की गोलियां गंगा में डालकर लौटते हुए उसे रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों की डालों पर झुलाते। घर आकर जब वे उसे अपने साथ खाना खिलाते तो माँ को कोर छोटे लगते। वे पक्षियों के नाम के निवाले यानी कोर बनाकर जब उनके उड़ने का डर बताती तो वह उन्हें उड़ने से पहले ही खा लेता। खाना खाकर बाहर जाते हुए माँ उसे झपट कर पकड़ लेती थी और रोते रहने के बाद भी बालों में तेल डालकर कंघी कर देती। कुर्ता टोपी पहनाकर चोटी में फूलदार लट्टू लगा देती थी। बुरी नज़र से बचाने के लिए काजल की बिंदी लगाती और पिता के पास छोड़ देती थी। वहाँ खड़े अपने मित्रों को देख वह रोना भूल खेल में लग जाता था। पिताजी उसको बहुत लाड़ करते। वे कभी उसके हाथों का चुम्मा लेते, कभी दाढ़ी मूछ गड़ाते, कुश्ती खेलते और बार बार हार जाते। घर के सामने ही खेले जाने वाली मिठाई की दुकान के खेल में दो चार गोरखपुरी पैसे देकर शामिल हो जाते। घरौंदे के खेल में खाने वाले की पंक्ति में आखिरी में चुपके से बैठ जाने पर जब लोगों को खाने से पहले ही उठा दिया जाता तो वे पूछते कि भोजन फिर कब मिलेगा। बारात के खेल में जब दुल्हन की विदाई होती तो चूहेदानी की पालकी में पिता दुल्हन के मुख को कपड़ा हटाकर देखते और बच्चों को हंसाते। खेती के खेल में फसल आने पर पूछते कि खेती कैसी रही। लेखक मित्रों के साथ आसपास के छोटे मोटे सामान को जुटाकर इतनी रुचि से खेलता कि उन खेलों को देखकर सभी खुश हो जाते। तिवारी के नाम के जान पहचान वाले एक बूढ़े का मजाक उड़ाना और आंधी आने पर लोकगीत गाना लेखक व उसके मित्रों की आदत बन गई थी। एक बार तिवारी का मजाक उड़ाने पर अध्यापक ने लेखक की खूब पिटाई की। पिता ने बचाव कर उसे संतावना दी। पिता द्वारा घर ले आते समय मित्रों के मिलने पर वह सब भूल गया और खेतों में चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करने लगा। चिड़ियों के उड़ जाने पर जब एक टीले पर आगे पढ़कर चूहे की बिल में उसने आसपास का भरा पानी डाला तो उसमें से एक सांप निकल आया। डर के मारे लुढ़क लुढ़क कर गिरते पड़ते हुए लेखक लहूलुहान स्थिति में जब घर पहुंचा तो सामने पिता को बैठे देखा। पिता के साथ सदा अधिक समय बिताने के बाद भी उसे अंदर जाकर माँ से चिपटने में सुरक्षा महसूस हुई। माँ ने घबराते हुए भी आंचल से उसकी धूल साफ की और हल्दी लगाई। लेखक को तब माँ की ममता पिता के प्रेम से बढ़कर लगी। इस पाठ के माध्यम से शिव पूजन सहाय जी हमें यह बताना चाहते हैं कि पुत्र चाहे
अपने पिता से चाहे किसी भी रिश्तेदार से कितना भी लगाव क्यों न रखता हो, लेकिन माँ के प्रेम से बढ़कर उसे कोई प्रेम नहीं दे सकता, क्योंकि माँ के आंचल में ही उसे सबसे ज़्यादा सुरक्षा महसूस होती है, सबसे ज़्यादा प्रेम मिलती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप नए विजिटर हैं, हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिए हमारे आने वाली नई वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।